जम्मू कश्मीर प्रशासन जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने में अपना भरपूर जोर जो है वो लगा रही है, परंतु कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट कार्य हैं वो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत अच्छे अच्छे तो किए, मगर लोगों को अवेयर करना कहीं ना कहीं वो भूल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनिक न्यूज़ और मैं हूँ रोहित सेन। इस समय हम मौजूद हैं विक्रम चौक से लगभग 100 मीटर पीछे, और मैं आपको बता दूँ सामने जो मेरे पॉलिटेक्निक कॉलेज, अगर रोड को क्रॉस करके आप देखेंगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बोर्ड लगा है यहाँ पे, ये रोड सबवे है, और रोड सबवे को यानी कि रोड को क्रॉस करने के लिए वो वहाँ पे जो एक सबवे बनाया गया है रोड के नीचे से ही, ताकि एक्सीडेंट ना हो, रोड जब लोग क्रॉस करें किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, उसलिए जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक बहुत अच्छा जो रोड सबवे जो है वो बनाया गया था, जो कि सामने निकलता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के। कि जितनी भी मेटाडोर्स, चाहे हम बात करें गंग्याल सतवारी से आने वाली जिवल की ओर जाने वाली मेटाडोर्स जितनी भी हैं, वो सब जाके जो अपनी सवारियाँ हैं, जो यात्रु हैं, उन सभी को जो है वो विक्रम चौक में जो है वो उतारती है। जबकि ये जो सबवे है विक्रम चौक से लगभग 100-150 मीटर की पीछे की दूरी पे जो है वो बनाया गया है। फिलहाल आपको हम इस सबवे की क्या कंडीशन है वो दिखाते हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप देख पा रहे होंगे कि लोगों को एक्सीडेंट से बचने के लिए जो ये सबवे जो जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू स्मार्ट सिटी को बनाने के प्रयास में ये बनाया था, और लोगों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये सबवे जो बनाया गया था, जिस सबवे में यहाँ से लोग एंटर होके, और अगर उन्हें रोड क्रॉस करना होता तो इस गेट से एंटर होके रोड के नीचे से निकल के यहाँ पे जो स्टेयर्स बनाई गई हैं, सबवे बनाया गया है, और रोड के नीचे से ही क्रॉसिंग करके रोड के उस पार जाया जा सकता था। परंतु कहीं ना कहीं अभी की जो सिचुएशन है, आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये लोगों के काम नहीं आ रहा है। ताला लगाने के पीछे क्या क्या कारण है? पहला कारण तो ये लोग अवेयर नहीं थे इस चीज़ से, और ख़ास करके जो मेटाडोर चालक हैं, जो बस चालक हैं, जो अपने यात्रियों को जो है सीधे जाके विक्रम चौक पर उतारते हैं, वो लोग अवेयर नहीं थे। और जब ये खुला था तो इसके अंदर जाके लोग जो हैं वो शराब पीना कहीं ना कहीं शुरू कर देने लगे। यहाँ के लोगों की भी ये कमी है, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या हरकतें हो रही हैं, आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि किस काम में अभी ये आ रहा है। अभी जो फ़िलहाल है ये बंद पड़ा है। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स इस सबवे के ऊपर बनाई गई, ताकि जम्मू जो है वो एक स्मार्ट सिटी भी बनी रहे, और साथ ही साथ लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना पहुंचे। लोगों की सेफ्टी का बहुत खास करके सरकार ने जो है वो ख्याल रखा, परंतु या तो जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये चाहिए था कि जितने भी मेटाडोर्स वाले हैं या जितने भी पैसेंजर्स व्हीकल्स हैं, उनको, उन सभी को, और साथ ही साथ आम नागरिकों को ये जानकारी देनी चाहिए थी कि ये जो रोड सबवे है ये इस जगह पर लगभग 100-150 मीटर पीछे विक्रम चौक से बनाया गया है। तो यहाँ पे मेटाडोर स्टैंड या जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो अपनी यात्रियों को यहाँ पे उतारते, और यात्रु जो है वो अपना रोड आराम से क्रॉस करते बिना किसी खतरे के। एक तो ये उपाय था ताकि इस रोड सबवे का भरपूर इस्तेमाल हो सके और लोगों की सेफ्टी भी बनी रहे। दूसरा रास्ता ये था, या तो फिर इस सबवे को जो है वो विक्रम चौक के निकटतम बनाया जाना चाहिए था, ताकि लोग जो हैं मेटाडोर्स वहाँ पे उतरती हैं, किसी ने रेलवे जाना है, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है, किसी ने बावे की ओर जाना है, जिस भी यात्री ने जहाँ की भी ओर प्रस्ताव करना था, तो इस सबवे को अगर वहाँ पे बना दिया जाता तो मेरे हिसाब से इसका भरपूर इस्तेमाल वहाँ पे होना था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो लोग हैं अपनी जान को खतरे में डालकर इस रोड को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सबवे बनाया है, इस सबवे को खोल के लोगों को अवेयर करना है, और इसे खोल के इसके अंदर सीसीटीवी जो है वो इंस्टॉल किए जाएं, ताकि कोई शराबी जो जम्मू के जो बिगड़े हुए जो लोग हैं वो अंदर जाके किसी प्रकार की कोई गलत हरकतें ना करें। कहीं ना कहीं
शराबियों का ये कारण रहा, लोग जो शराब इसके अंदर जाके पी रहे थे उस वजह से ये जो है ये हालत आप देख पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी प्रशासन की नहीं लोगों की भी है। जो व्हीकल्स हैं यहाँ पे उतार के यहाँ पे यात्रियों को उतारा जाए ताकि यात्री भी सुरक्षित रहें और इसके पीछे जो खर्चा जो लागत आई है उसका भी भरपूर जो है जम्मू स्मार्ट सिटी इसका प्रयोग कर सके। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं रोहित सेन, वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ, नमस्कार।